वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम मेल मर्ज कैसे यूज करते हैं। पहले हम ये जानते हैं मेल मर्ज क्या होता है। सपोज हम किसी स्कूल में वर्क करते हैं और उस स्कूल में 500 स्टूडेंट्स, और हमें ये नीड पड़ता है कि हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन देना है कुछ भी पे। जस्ट हमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट रेडी कर लिया, अब हमें उस एप्लीकेशन को 500 स्टूडेंट्स के नाम पे करना है। तो अगर हम सिंगल सिंगल करेंगे तो वैसे बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा और वो इम्पॉसिबल भी होगा कम टाइम में करना, इसलिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज यूज़ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक लेटर कंपोज करना पड़ेगा। तो हम लेटर कहाँ से लाएंगे, हम लेटर पहले से कंपोज किए होंगे, उसे हम पहले यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मैं पहले से लेटर कंपोज किया, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा मैं। अब हमने ये लेटर यहाँ कंपोज कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ये यहाँ ग्रुप्स देख रहे हैं, यहाँ हमें जाना है मेलिंग में। मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ सब ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। हम फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप जो होगा मेरा, हमारा क्या होगा, लेटर होगा। लेटर पे करने के बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देन स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट्स, सेलेक्ट रिसिपेंट्स पे हम यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट कर लिए, अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट पे हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाके हम यहाँ क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे। कस्टमाइज कॉलम में जाके हम ये जितने भी हैं, हम अगर इसमें से चाहते हो कुछ ऐड करना तो इसमें से करेंगे, या इसको हम डिलीट करके खुद से ऐड करेंगे। तो हम इसे डिलीट करेंगे, फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हम इसे डिलीट करेंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, फिर सारे को डिलीट करके फिर हम यहाँ से अपने ऐड करेंगे। हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड में हम क्या क्या अपने, जैसे कि नेम चाहिए, क्लास चाहिए, किस क्लास का स्टूडेंट है, वैसे करके हम यहाँ पे वो कॉलम्स बना लेंगे, फील्ड्स बना लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ नेम डालेंगे, NAME, फिर इसे हम ओके करेंगे, फिर न्यू ऐड करेंगे, क्या करेंगे उसमें क्लास करेंगे, फिर इसे भी ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर CONTACT कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर ऐसे ही करके हम जितना भी चाहें उतना हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने जो कॉलम्स बनाया वो यहाँ आ गया है। अब हम यहाँ एक एक करके जिस भी स्टूडेंट का बनाना है वैसे हम यहाँ नाम और क्लास सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ शिवम नाम के स्टूडेंट का बनाऊँगा, फिर वो क्लास आपको 10th में रहेगा, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल देते हैं, फिर ऐसे ही करके नेक्स्ट स्टूडेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे कि मैंने ले लिया सपोज क्लास, फिर इसे हम क्लास 9th में डाल देंगे, फिर हमें इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट स्टूडेंट ले लेंगे जैसे कि विशाल, यहाँ पे हम इसका क्लास 8 डाल देंगे, फिर इसका कॉन्टैक्ट कुछ डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके हम जितना भी चाहें उतना हम ले सकते हैं और उसको हम ऐसे करके कर देंगे। फिर यहाँ जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाके ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने जो क्रिएट किया उस फाइल को हम कुछ नाम से सेव कर देंगे, सपोज MS वर्ड के नाम से हम उसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव होने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे, ये हम देख लेंगे कि हमें ये डालना है, अब इसे हम ओके यहाँ कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम
यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आएंगे, राइट योर लेटर जिसे हम लोग पहले ही कर चुके हैं इसे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, अब हम यहाँ देख सकते हैं मोर आइटम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ मोर आइटम पर क्लिक करने के बाद हम एक एक करके इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट फिर क्लोज फिर मोर आइटम फिर क्लास को इंसर्ट करेंगे, सॉरी फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ क्लास एंड इंसर्ट फिर क्लोज फिर एंटर फिर मोर आइटम कॉन्टैक्ट इंसर्ट क्लोज। ये करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इंसर्ट द रिक्वायर्ड कर देंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रीव्यूअर लेटर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रीव्यूअर लेटर पे देख सकते हैं हमने यहाँ कर दिया, यहाँ सीवम, फिर यहाँ देख सकते हैं नीचे यहाँ पे बस सीवम का भी शो कर रहा है, ठीक है ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट प्रीव्यूअर लेटर, फिर यहाँ करेंगे कंप्लीट, अब हम यहाँ करेंगे कंप्लीट मेल मर्ज। हम यहाँ कंप्लीट करने के बाद करेंगे यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करेंगे, अब इसे हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं या नेविगेशन में व्यू में करके दिखा देता हूँ, मल्टी पेजेस में हम लोग यहाँ शिवम आकाश विशाल राज ऐसे ही करके हमें जितना भी नीड हो हम इसको मेल मर्ज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।